नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये बीपीएससी बुक प्री और मेंस के लिए बुक है। ये लिस्ट ये उन लोगों के लिए है जो लोग नए हैं, ये उनके लिए है जिनका प्री निकलता है लेकिन मेंस निकल ही नहीं रहा, फिर चाहे दो साल से दे रहे हैं, तीन साल से दे रहे हैं, चार साल से दे रहे हैं, वो सारी बातें की भी मैं चर्चा करूंगा। क्यों नहीं निकल रहा, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क्स हो जाती है। क्यों ऐसा हो रहा कि प्री तो निकलता है मेंस नहीं निकलता है, और फिर अगले बार जो होता है पता चलता प्री फिर नहीं निकला और मेंस तो निकलेगा ही नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि प्री और मेंस दोनों एक साथ निकले, यानी कि फाइनल सिलेक्शन, और उससे भी थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो फाइनल एसडीएम सिलेक्शन। इसके लिए हमें करना क्या है, किस तरीके से रणनीति करना है। देखिए दोस्तों, एक बात तो मैं तय बता दूं, मैं चाहूं तो ऐसे ही आपको बुक का नाम बता दूं, आप लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, लेकिन एक बात बताता हूं, पढ़ाई एक कला है। जिन लोग का सिलेक्शन हो रहा है ना वो इस कला को जानते हैं, आप समझो इस बात को, वरना लाखों में सिर्फ 10,000 का सिलेक्शन होता, बाकी 90,000 जाते कहां है। कभी सोचे हो बैठ के, सोचने की कोशिश करो, कभी सोचो, ये गेम है। जब तक आप इस कला को नहीं समझिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। गाना मैं भी गाता हूं, गाना आप भी गाते हैं, और गाना कुमार सानू भी गाता, लेकिन उसको लोग सिंगर बोलता, मुझे क्यों नहीं बोलता, वजह क्या है। गाना मैं भी गाता हूं, हमें उस गाना की कला पता नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल समझने के लिए, हमें नहीं पता है इसलिए हम गायक नहीं है, और उसे पता है इसलिए वो गायक है। इसलिए सबसे पहले आप कला को पकड़िए, पढ़ाई की कला। पढ़ना इंपोर्टेंस नहीं है, बनना इंपोर्टेंस नहीं है एसडीएम, लेकिन पढ़ना इंपोर्टेंस है, उस और भी कला की तरह पढ़ना। आर्ट्स है, पढ़ाई एक आर्ट्स है। जब तक इस बात को आप नहीं समझोगे तब तक प्रॉब्लम होती रहेगी आपकी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, प्री हो गया, खुश हो गए, मेंस लिखने गए, पता चला मेंस से जब बाहर निकले तो पता चला ऐसा नंबर आया हुआ किसी को दिखलाने लायक नहीं है, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई करने से। प्री निकाल भी लोगे तो किसको कहोगे, किससे सहानुभूति लोगे, जरा समझो एक मिनट इस बात को, किससे लोगे सहानुभूति, कौन देगा सहानुभूति आपको। इसलिए सिर्फ अपने दिल को, अपने आप को कहो, मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है, और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे रोक के दिखला दे सिवाय मेरे। बहुत तरह के लोग हैं, मैं ही एक नहीं हूं, मेरे जैसे हजारों लोग हैं, हमसे अच्छे भी और हमसे बुरे भी। आप सजेशन लेते हो, बोलते हैं भाई बहुत बड़ा मुश्किल है सिविल सर्विसेज में जाना या बीपीएससी में जाना, बहुत बड़ा मुश्किल है। है मुश्किल तो है, लेकिन एक आसान भी तो रास्ता, वो भी तो बताओ, आसान भी है, लेकिन तब जब तुम चाहोगे तभी वो आसान है। अगर एक्स वाई जेड किसी का भी 3 साल से नहीं निकलता तो क्या गारंटी है कि आपका भी नहीं निकलेगा। इसलिए ये सब गलतफहमी से दूर रहिए। चलिए थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें हो गई स्टार्ट में, अब आते हैं इस किताब के बारे में, जानते हैं किस तरीके से इसको पढ़ना है, कौन सी बुक है जो कि हमारे टेबल पर रहना चाहिए, हमारे रूम में रहना चाहिए, वो सारी चीज बातें अभी के अभी 20 मिनट के अंदर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए आइए, प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए सबसे पहले आते हैं, चर्चा करते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास में आधुनिक भारत में आपको एनसीईआरटी 6 से 12 तक लेना होगा, एनसीईआरटी 6 से 12 तक। उसके बाद एक जो है राजीव अहिर की आती है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, अगर ये ले लिए तो बेहतरीन बुक है, बड़ी प्यारी बुक है। अगर इसको ले लिए तो नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर बिपिन चंद्रा, जो इच्छा हो आप ले सकते हैं, दोनों में से दोनों बेहतरीन बुक है, किसी को कम आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको राजीव अहिर या बिपिन चंद्रा, जो भी बुक आपके पास है, मैं तो अगर सजेस्ट करूं, मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा राजीव अहिर का ले लीजिए, स्पेक्ट्रम की, और नई वाली लीजिए वो ले लीजिए। उसके बाद घटना चक्र की, तो मैं एक मिनट के लिए आपको दिखा दूं, घटना चक्र की बुक ये है, आप देख लीजिए, ये है घटना चक्र की बुक, इसको जाके इसकी पूरी सीरीज जो है ये देखिए, इसमें पूरी सीरीज में आती है, इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, और उसके बाद समान विज्ञान और इकोनॉमी, तीनों पांचों के पांचों की आती है। तो कोशिश कीजिए इसको एक जरूर लेने की। उसके बाद जब इसको पढ़ लीजिए, जब एनसीईआरटी हो जाए, उसके बाद राजीव अहिर की हो जाए, उसके बाद घटनाचक्र पढ़िए, और घटनाचक्र पढ़ने के बाद फिर प्रश्न बैंक, मतलब क्या है, जाके आप दो प्रश्न बैंक लीजिए, एक पीटी का लीजिए और एक मेंस का लीजिए, दोनों का लीजिए, क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। कभी इस गलत फहमी में मत रहना कि मुझे प्री निकालना पहले, अगर पहले प्री निकालना है तो मेंस आपका रुक जाएगा। जिन लोग का फाइनल सिलेक्शन होता है या तो वो छुपाते हैं या बताते नहीं है, और जब वो पास कर जाते हैं और तब जाके उनका लेक्चर सुनते हो और फिर कहते हो यार ये इसे बता, आधी बात तो वो छुपा कर रखते हैं, कभी समझो इस बात को। इसलिए उसके बाद प्रश्न बैंक दोनों रखना, मेंस का भी और प्री का भी।
लेकिन ध्यान रखना सीरीज से चलना, ऐसे ही चलना, सारी की सारी बुक को मैं पहला इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले एनसीईआरटी 62 और पढ़ना, और जब ये समाप्त हो जाए तो फिर राजीव अहिर की पढ़ना या फिर बिपिन चंद्रा, जो पढ़ना हो पढ़ लेना। ये पढ़ने के बाद उसके बाद घटनाचक्र पढ़ना, और घटनाचक्र पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक निकालना, प्री और मेंस दोनों, जिसका दिल करे लगाना, लेकिन लगाना दोनों, प्री और मेंस दोनों लगाना। ये लगाने के बाद जब ये लग जाए उसके बाद आपको लुसेंट पढ़नी है, लुसेंट तो छोड़नी नहीं है, और उसमें बीपीएससी और उसमें भी प्री, लुसेंट को तो एकदम रटना है, और रटना नहीं है, जब ये पढ़ लोगे उसके बाद लुसेंट पढ़ोगे तो फिर लाइफ में फिर रटने की जरूरत नहीं होगी, और कभी भी माइंड के अंदर जो चीज लुसेंट में पढ़ोगे वो कंफ्यूजन के साथ में नहीं रहेगी, पूरी तरह से क्लियर रहेगी, अगर इस स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तब। उसके बाद आपको लेखन शैली करना है, जब लुसेंट भी पढ़ लिए तो उसके बाद लेखन शैली करना। लेखन शैली में जो आप पढ़े हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी बुक ही, अगर हमसे पूछो कि आप कैसे कहोगे आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी में 1857 पढ़ लीजिए। 1857 पढ़ने के बाद आपको सीधे राजीव अहिर में जाना है, उसके बाद 1857 राजीव अहिर से पढ़ना है, और राजीव अहिर से जब आप पढ़ लीजिए 1857, उसके बाद आपको घटना चक्र में जाना होगा, और घटना चक्र में जाके 1857 पूरे सीरीज वाइज दिया हुआ है उसमें जाके आपको पढ़ना और देखना, क्वेश्चन लगाना है कि कितना क्वेश्चन सही होता है या फिर कितना गलत होता है, उसके बाद फिर से उसको अपने से कैलकुलेशन करना, और यहां करने के बाद प्रश्न बैंक लेना। प्रश्न बैंक लेने के बाद आपको प्री और मेंस दोनों को करना है। ध्यान रखिए इस बात को, आज मैं जितनी बातें बोल रहा हूं दिल से बोल रहा हूं, और कोई भी बात आप रोकिएगा नहीं, प्लीज मानिए मेरी बात को, अंदर तक जाने दीजिए उसको। उसके बाद आपको प्रश्न बैंक निकालना, प्री और मेंस दोनों। सबसे पहले जिसको भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं आपकी चॉइस है, प्री तो प्री, 1857 का प्री देख लेंगे कि पूरे बीपीएससी में आज तक में 1857 में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर लुसेंट खोलिए, लुसेंट में 1857 में क्या क्या फैक्ट दिया हुआ है उस फैक्ट को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए क्या गेम होता है आपके माइंड के अंदर। उसके बाद यहां होने के बाद तुरंत लेखन शैली पे आइए, 1857 की जो भी है आपका मेंस में लिखा हुआ है, मेंस में जो क्वेश्चन दिया गया उसको लेखन शैली के थ्रू उसी टाइम कर लीजिए। कल नहीं है कि एनसीईआरटी 6 का खत्म होगा फिर 7 का, नहीं, जो चैप्टर वाइज चैप्टर पूरी सीरीज को रिकॉल कीजिए, और वही सीरीज हमें मध्यकालीन में भी करना, सेम टू सेम। मध्यकालीन में जो है उसमें सतीश चंद्रा की बुक ले लीजिए, एक सतीश चंद्रा की बुक, एनसीईआरटी तो इसमें चल ही रहा तो सतीश चंद्रा की बुक, उसके बाद फिर घटनाचक्र, घटनाचक्र जब हो जाए उसके बाद प्रश्न बैंक लगाइए, उसके बाद फिर लुसेंट मध्यकालीन भारत का, उसके बाद फिर लेखन शैली, उसके बाद फिर प्राचीन भारत में चलते हैं। प्राचीन भारत में आपको रामशरण शर्मा की बुक लेनी होगी, ये पढ़ने के बाद आपको घटनाचक्र में चले जाना होगा, घटनाचक्र में जाने के बाद आपको प्रश्न बैंक खोलना होगा और उससे मिलाना होगा, उसके बाद फिर लुसेंट, और लुसेंट के बाद लेखन शैली। उसी तरीके से अब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी 6 से 12 तक का होना चाहिए आपके पास में, आपके रूम के अंदर एनसीईआरटी 6 से 12 तक, उसके बाद मानचित्र एक होना चाहिए, और साथ साथ में परीक्षा वाणी की, ध्यान आइए मैं बुक दिखा देता हूं आपको, ये बुक जरूर खरीदिए आप, परीक्षा वाणी की ये बुक है, इसकी सीरीज आते हैं सिर्फ हिस्ट्री छोड़ के, इस बुक को जरूर लेने की, बहुत प्यारी बुक है। अगर आप कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कोई प्रॉब्लम है तो इस बुक को ले लीजिए, ये बुक बहुत हेल्प करेगा आपको, और साथ साथ में हम हैं ही आपके साथ में तो हम तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, चाहे यहाँ करें, यूट्यूब में करें, ट्विटर पे करें, इंस्टाग्राम में करें, व्हाट्सएप में करें, या फिर कॉल करें, हर जगह हम अवेलेबल हैं और वहाँ हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद फिर आते हैं लुसेंट में आ जाते हैं, सॉरी हाँ, परीक्षा वाणी बुक, उसके बाद है महेश बनवाल की बुक, इसी की बुक लेना और कोई भी नहीं लेना, सिर्फ महेश बनवाल की, और ध्यान रखिएगा न्यू बुक, कोई भी इसमें जितनी भी बात बोला हूं कोई भी ओल्ड बुक आपको नहीं लेना। हाँ, हिस्ट्री का ओल्ड एनसीईआरटी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज जो है जितनी भी बुक है, आज पैसा लगे तो लगे, एसडीएम बनना यार इतनी आसानी से थोड़ी होगा, थोड़ा कम खा लेना, थोड़ा मतलब सस्ते कपड़े खरीद लेना, लेकिन बुक पूरी की पूरी नहीं होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी मानचित्र मैप, उसके बाद परीक्षा वाणी महेश बनवाल, उसके बाद इसी का घटनाचक्र, उसके बाद प्रश्न बैंक ले लेंगे, और प्रश्न बैंक के बाद फिर से लुसेंट में, और लुसेंट से फिर लेखन शैली। जब ज्योग्राफी हो गया उसके बाद आते हैं राजनीतिक साथ, पॉलिटी में। पॉलिटी में क्या करना है, एनसीईआरटी 6 से 12 तक, उसके बाद
वेयर एक्ट साथ में रखना है, क्योंकि जैसे ही हम एनसीईआरटी जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जहां पे ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां पे मैप तो रखेंगे, चाहे कुछ भी पढ़े मैप तो रहना ही है। वैसे ही जैसे राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां वेयर एक्ट होना जरूरी है कि कौन सा अनुच्छेद है, क्या आया है उसमें अमेंडमेंट, वो सारी चीज जो भी है वो यहां से हमें वेयर एक्ट से पता चलता रहेगा। उसके बाद इसकी परीक्षा वाणी ले लेनी बुक, जब परीक्षा वाणी हो जाएगा समाप्त तो फिर एम लक्ष्मीकांत की बुक लेना, एम लक्ष्मीकांत की बुक लेंगे। उसके बाद फिर जब एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ लेंगे और तब फिर घटना चक्र लगाएंगे, और घटना चक्र लगाने के बाद फिर प्रश्न बैंक ले आएंगे, उसके प्रश्न बैंक में देखेंगे राजनीतिक शास्त्र की पॉलिटी की प्री और मेंस दोनों का लेके आएंगे और देखेंगे लगा के कि कहां तक हमसे सॉल्व होता है। उसके बाद लुसेंट लगा लेंगे और लुसेंट लगाने के बाद फिर लेखन शैली, स्टेप बाय स्टेप बुक सारा चीज मैं बता दिया। अब आते हैं यहां पे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी में, इकोनॉमी में आपको क्या करना है एनसीईआरटी 6 से 12 तक, एनसीईआरटी 6 से 12 तक। उसके बाद इसकी एक परीक्षा वाणी की बुक आती है, ये बुक आप ले लीजिए, और परीक्षा वाणी के बाद फिर लाल एंड लाल एक ऑथेंटिक बुक। देखिए जैसे यहां पे अर्थशास्त्र में लाल एंड लाल जो है ऑथेंटिक बुक है, वैसे ही राजीव अहिर मॉडर्न इंडिया की ऑथेंटिक बुक है, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा जो है ऑथेंटिक बुक है, उसके बाद प्राचीन के लिए रामशरण शर्मा है ऑथेंटिक बुक, भूगोल के लिए जो है महेश बंडवाल साहब है, राजनीतिक शास्त्र के लिए जो है वो है एम लक्ष्मीकांत, ये सब ऑथेंटिक बुक है। और वैसे ही समान विज्ञान में इसमें जो है कोई ऑथेंटिक नहीं है, आप इसमें अर्थशास्त्र में आइए लाल एंड लाल ले लीजिए, उसके बाद फिर घटना चक्र ले लीजिएगा। घटना चक्र लेने के बाद आपको फिर प्रश्न बैंक लाना होगा, प्रश्न बैंक पीटी और मेंस दोनों का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपसे चिल्ला के बस यही कह रहा हूं, पीटी और मेंस दोनों का, पीटी मेंस दोनों का ले लीजिएगा। उसके बाद लुसेंट का यूज कीजिएगा, लुसेंट ऐसे ही यूज कीजिए तब आपको समझ में आएगा कि हाँ लुसेंट हम पढ़े, लुसेंट समझे, लुसेंट अंदर गया और लुसेंट यूज करके पीटी क्रैक किए, वरना फिर यही बोलते रहिएगा भैया 5 नंबर से आयोग ने रोक दिया। बोलने से क्या, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, आपका 1 ही नंबर से रुक गया, छोड़िए 5 नंबर, हम क्या करें, हम तो बस एक सिंपैथिक दे सकते हैं, बहुत आपके साथ बुरा हुआ, इससे क्या हो जाएगा, आप एसडीएम बन जाओगे, सोचो कभी 1 सेकंड रुक के। इसलिए इस बार कोई भी गलती ना हो, 65 अपना है और अपना पोस्ट एसडीएम है, या फिर जो भी आपने अपने अंदर समा के रखे हो, हमारा टारगेट एसडीएम है तो एसडीएम है, एसडीएम बनना है, इस दुनिया में कोई सी ताकत नहीं है जो रोक के दिखला दे, बशर्ते आप अपने अंदर जो है इस आग को बुझने मत दीजिएगा किसी भी हालत में। चलिए आते हैं, उसके बाद आपको लुसेंट पढ़ना है और फिर इसकी लेखन शैली स्टार्ट करना, यानी सब कुछ एक सिलसिलेवार तरीके से चलते रहना है। अब हमें उस तरीके से नहीं पढ़ना है, अरे अभी आ गया तो 2 महीना बचा मेंस का तैयारी कर लेते हैं, ओ अभी 3 महीना है चलो पीटी का तैयारी कर लेते हैं, इस तरीके से नहीं, सिलसिलेवार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं रिजल्ट किस तरीके से रुकता है, और कौन ऐसा इस दुनिया में ताकत है जो हमारी रिजल्ट को रोक रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम है क्या सर, हम ही तो हैं जो रोक रहे हैं, क्योंकि हम प्री पढ़ेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे उसके बाद फिर सोचेंगे क्या करना नहीं करना, तो रुक ही रहा रिजल्ट। एक बार टाइम दो, 365 दिन 6 घंटे, एसडीएम ना बना तो फिर मुझे कहियो, एकदम ओपन चैलेंज, 365 दिन 6 घंटे एसडीएम पोस्ट लेके जाओ, इस दुनिया में इससे सस्ता सौदा अगर कोई है तो आप बता सकते हो मुझे, यानी कि 1 साल दो और पूरे के पूरे 60 साल जो है ऐस की जिंदगी जियो, ऐसो आराम की जिंदगी जियो, वो चाहो जो इस दुनिया में खुद अपने आप आपके पास आके हासिल हो जाए, तो इसके लिए त्याग भी उतनी बड़ी होगी, बोलना बड़ा आसान है इसके अंदर बहुत दर्द है, और ये दर्द आसान तब होगा जब आपको ये कला आएगी, ये कला आ जाएगी तो फिर पढ़ाई खेल है, रियल बोलते हैं जो लोग बोलते हैं ना पढ़ाई ये खेल है, सही में खेल है, लेकिन हमने पढ़ाई की कला ही नहीं समझा इसलिए पढ़ाई हमारे लिए बोझ है। चलिए आते हैं यहां पे, अब समान विज्ञान में आते हैं, और जो विज्ञान बैकग्राउंड से नहीं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या, उनकी समस्या का सॉल्व एनसीईआरटी 9 से 10 पढ़ लीजिए, इसके सिवा कुछ भी मत। इसके साथ में एक घटना चक्र, जो ये घटना चक्र जो एक बार फिर से मैं दिखा दूं, ये घटना चक्र की बुक बोला हूं, इसी में जो है आपको लेना है समान विज्ञान की, ये बुक आप ले लीजिए, बस सफिशियंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो है प्रश्न बैंक ले लीजिए, देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा है, और इसके बाद लुसेंट को यूज कीजिए, उसके बाद लेखन शैली जो भी है पीटी और मेंस दोनों का लेके, उसके बाद इसको लिखने की कला हो जानी चाहिए। और ध्यान रखिएगा दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं, अगर लुसेंट किसी के पास 5 साल 6 साल 10 साल पुरानी है तो उसको उठा के कचरे में डाल दीजिएगा, प्लीज मेरी एक बात मानिए, 100-150 लगे तो लगे, लुसेंट नई वाली बुक होनी चाहिए,
आज अभी इसी वक्त से, जिस वक्त आप वीडियो देखें, सारी की सारी बुक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी इतिहास छोड़ के बाकी सारी बुक आपके घर में आपके टेबल पे न्यू होनी चाहिए। एक बार मेरी बात मान लो, बस एक बार, उसके बाद जो करना पूरी जिंदगी करते रहना, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमसे जुड़े हो, हमको मानते हो, तो मैं कोई स्वार्थ से नहीं करता हूं, दिल से बताता हूं, एक बार आप मेरी बात मानो, सारी की सारी बुक नया लो। अब गया वो जमाना जो था, रट लेते थे, रगड़ लेते थे, लाल पीला काला कर लेते थे, अब वो करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ में, मैं बताऊंगा आपको करना क्या है, और वैसे ही एक्शन लेना, देखना कैसे ना रिजल्ट आता है, 100% आएगा रिजल्ट, बस समझो इस कला को। चलिए आते हैं यहां पे छठे नंबर में, समसामयिकी, क्योंकि ये तो हो गया समान विज्ञान, समसामयिकी। समसामयिकी में इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी चैनल, यानी हमारा चैनल, आप वहां जाइए, वहां देखिए, मॉर्निंग में करंट अफेयर डालता हूं, उसके बाद फिर करंट इशू डालता हूं, और फिर हिंदुस्तान का जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है उसकी कटिंग के जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं आपके लिए, वो तीनों आइटम डालता हूं, ये तीनों पार्ट्स डालता हूं, जिससे कि आपका करंट इशू भी स्ट्रांग हो जाए और साथ साथ में करंट अफेयर भी स्ट्रांग हो जाए। करंट इशू जो कि मेंस में काम दे दे, और करंट अफेयर जो कि आपको प्री में हेल्प करे। तो ये है, बाकी आप ये चॉइस, जरूरी नहीं कि आप हमारा ही चैनल देखिए, ये चॉइस नहीं है, आप कहीं भी जाके देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन जो भी करना हो कर दिए। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक न्यूज़पेपर इंग्लिश, सस्ती है, अच्छी है और थोड़ा सा आसान है, अगर हिंदू पढ़ने आता तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदू पढ़ने नहीं आता और हिंदू पढ़ने के लिए बैठ गए तो टाइम आपका है वैल्यू, इस बात को समझो साहब, टाइम की वैल्यू है। हिंदू लेके बैठ गए, लोगों ने कहा हिंदू, हम तो कहते न्यूज़पेपर लो ही नहीं, अगर हमसे पर्सनली पूछो कि न्यूज़पेपर में जितना समय लगा रहे हो उतना समय किसी दूसरे काम में लगा लो, वो सफल हो जाओगे, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई अच्छी सी जो भी क्षेत्रीय हिंदी न्यूज़पेपर आती है उसको लो, उसको पढ़ो, और थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती ही होगी यार, उतना तो समझ में आता ही होगा ग्रामर, ताकि इंग्लिश कंप्लीट कर जाए, और नहीं आता तो एक ले लो। अब नेक्स्ट आते हैं बिहार, बिहार में नैनो या विभास, लेकिन अभी इस दोनों में कोई भी मत लेना, अभी आने दो और फिर मैं बता दूंगा कि आपको कौन सी बुक लेना है। ऐसे यही दो अच्छे रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम बहुत करीब आ जाएगी तो बहुत सारे बुक आएंगे मार्केट में, तब मैं जो बताऊंगा वो आप बुक वहां से परचेस कर लेना। आइए नेक्स्ट है सांख्यिकी, यानी कि एस्थेटिक्स जो है वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको क्या करना है कि सांख्यिकी में एनसीईआरटी 11th क्लास की और प्रश्न बैंक, यही दो आपको रखना होगा, सिर्फ एनसीईआरटी 11th क्लास की, और जो आज तक पूछा गया है सांख्यिकी में सिर्फ उसी को पढ़ना, इसके सिवा एक्स्ट्रा कोई भी बुक नहीं रखना। तो चलिए दोस्तों, पूरी जो बीपीएससी का प्री और मेंस का बुक था, मैंने टोटल का चर्चा कर दिया, और टोटल में कौन कौन सी बुक, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए लेना है ऑथेंटिक, उन सारी बुक की मैंने चर्चा कर दिया और बता दिया ना। अब आपकी कोशिश होगी कि आप अपने घर में जहां पे आप अध्ययन करते हैं वहां पे यही बुक रहना चाहिए, इसे एक्स्ट्रा प्लीज मत रखिए, एक बार मेरी बात मानिए, क्योंकि बुक भी आपको असफलता के दरवाजे पे खड़ा कर देगा। फिर मैं क्या कर सकता हूं बताओ, एक तो ऐसी ही इतनी प्रेशर है, उसके ऊपर से और प्रेशर क्यों ले रहे हो, क्योंकि टाइम लिमिट है, और इस टाइम लिमिट में ही हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमें पहुंचना है एसडीएम पोस्ट तक। तो एसडीएम पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको एक सीरीज की तरीके से चलना, तो जैसे मैंने बताया हूं पढ़ने के लिए, आपको वैसे ही पढ़ना है, और प्रतिदिन पढ़ना है, और पूरे 365 दिन पढ़ना है। एक साल का समय मुझे दे दो, सिर्फ एक साल का, एसडीएम ना बना दिया तो कहियो 100% जिस तरीके से कहा पढ़ने के लिए उस तरीके से पढ़ना है 100%। कोई भी इस दुनिया में ऐसी पावर नहीं है जो आपको एसडीएम बनने से रोक के दिखला दे, सच बोलूं आप खुद भी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि अंदर जैसे इस सीरीज से, क्योंकि ये कला है पढ़ने की जो मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, तो अपने आप हर दिन हर पल हर लम्हे में कॉन्फिडेंस जो है बूम होते रहेगा, बढ़ता रहेगा, और जब कॉन्फिडेंस जिस इंसान का बढ़ेगा, फिर उस इंसान को कौन सी प्रॉब्लम है इस दुनिया में, उसे तो हर प्रॉब्लम छोटी लगेगी, लेकिन जिसका कॉन्फिडेंस जा रहा है दिन प्रतिदिन, उसके शरीर से भी बाहर निकल गया तो उसे डिप्रेशन के शिकार हो जाएगा, फिर तो डिप्रेशन वाली रूम में चला जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, किसी भी हालत में हमें कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लाना है, आग लगाना है किसी भी हालत में अपने अंदर, कि किसी भी हालत में किसी का हो या नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आयोग के वेबसाइट पे अपना रोल नंबर होना चाहिए, और 65वीं किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए, किसी भी हालत में 65वीं अपना होना चाहिए तो होना चाहिए। जो हेल्प लेना हो हमसे, आप लो हमसे, हम तो नंबर तक डिस्प्ले कर दिए हैं कि भाई पूछो क्या प्रॉब्लम है, 24 आवर
जो प्रॉब्लम है पूछो, मैं बताऊंगा, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए दोस्तों, आज जो था बीपीएससी बुक प्री और मेंस के लिए, तो कोशिश कीजिए, एक बार फिर से दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, जितनी भी आपकी पुरानी बुक है या जो भी आज तक आप अपने घर में रखे हुए हैं, अगर इसमें कुछ मैच कर रहा है तो रखिए, मैच नहीं कर रहा तो तौल के भाव से बाहर फेंक दीजिए या बेच दीजिए या किसी को दान कर दीजिए, अपने घर में मत रखिए, क्योंकि अगर वो सब बुक रह गया तो आप एसडीएम नहीं बन पाइएगा, नहीं बन पाइएगा। इसलिए वो सब बुक को हटाइए, ये सब बुक को अंदर लाइए, आप बन जाइएगा, आप खुद देखिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाएगा, आपके चाल में, आपके आवाज में, आपके लहजा में, आपके सब कुछ करने में आपको लगेगा कि नहीं यार अब तो हम हो रहे हैं। क्योंकि अच्छे तरीके से पढ़िएगा तभी आप सक्सेस कीजिएगा, अदरवाइज जैसे दुनिया रास्तों पे घूम रही है, सुबह सुबह चाय पी रही है, सड़कों पे ऐसे बेरोजगारों की तरह घूम रही है, आपको भी उसी श्रेणी में जाके खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए हम वो दिन ना देखें, इसलिए वो दिन नहीं देखने के लिए इस दिन में आपको पसीना बहाना होगा, रगड़ना होगा, खुद से प्रॉमिस करना होगा कि मैं करूंगा और मैं करने के लिए आया हूं। अब एक ही तो जिंदगी मिली है यार, कुछ करके ही चले ना, जब कुछ करना है तो बड़ा करते हैं, क्यों छोटे के पीछे पागल बनती है, कुछ बड़ा करते हैं। और इस बार एसडीएम होगा तो होगा, अपने चैनल से 100+ रिजल्ट होना है तो होना है, थोड़ा मैं करूंगा और थोड़ा आप, क्योंकि अगर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कर रहा हूं और आप कुछ नहीं कीजिएगा तो फिर ये 100 जो है एक खोखला है, ये सत्य नहीं हो सकता है। ये सत्य तब हो सकता है जब आधा आप चलिए और आधा मैं चलूंगा और तब मैं इसको 100 बना दूंगा। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जो भी करना है इसी पल और इसी लम्हे में करना है, कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि कल तो खुद कल के इंतजार में सोया पड़ा होगा, आप क्यों कल के इंतजार में है। इसलिए उठिए, जो करना है, जिससे ताकत लेना है, जिसको आप मानते हो, लीजिए और कीजिए, क्योंकि आप यहां करने के लिए आए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए नहीं आए। थैंक यू।